हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो, साउंड क्लैरिटी चेक करो, साउंड क्लैरिटी कैसी आ रही है, चेक करो चेक करो चेक चेक चेक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है सातवां रोज़ा और आज संडे का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा घर से बाहर निकला जाए। और आज मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह मोहम्मद अली रोड, टाउन साइड जाएंगे हम लोग बेसिकली। और टाउन साइड जो है वहाँ की चहल पहल और वहाँ का जो रमज़ान मुबारक की जो रौनक है उसको कवर करने वाले आज हम इस वीडियो में। कुछ खाने पीने के आइटम्स चेक करेंगे, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो अभी इस वक्त 4 बज रहे हैं और इरादा ये है कि यहाँ से मैं बाइक पे निकलूँगा मोहम्मद अली रोड के लिए, और असर की नमाज़ वहाँ पर अदा करके मगरिब बाद वहाँ का जो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में, और आगे चल के आपको मोहम्मद अली रोड की और टाउन साइड की रमज़ान की रौनकें आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस व्लॉग को शुरू करते हैं। ये है अंधेरी का गोखले ब्रिज, विच वॉज सपोज टू गेट स्टार्टेड बाई 29th of February। आज 17 मार्च है, तो मैं चेक करने आया हूँ अगर यहाँ से ब्रिज खुला हो तो यहीं से चला जाएगा। वन साइड ऑफ द ब्रिज वो सपोज टू स्टार्ट, बट यहाँ पर देख के नज़र आ रहा है कि ये ब्रिज नहीं खुला, फेक इन्फॉर्मेशन। वापस घुमाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से नहीं खुला है ब्रिज। ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि 29 मार्च को ये वाला ब्रिज एक साइड से खुलेगा। What can we expect from the government? भाई यहाँ से शुरुआत हो जाती है जे फ्लाईओवर के नीचे से। अभी लेफ्ट में सारे भिंडी बाज़ार, फिर मोहम्मद अली रोड, ये सारी चीज़ें अभी लाइन से, नल बाज़ार, नाकुदा मोहल्ला, ऐसे बैक टू बैक लाइन से अभी अपने को डोंगरी सब यहाँ पर लाइन से अपने को देखने को मिलेगा। और आज संडे है और आज सातवां ही रोज़ा है, इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैंने सोचा इसलिए कि फ़र्स्ट फ्यू रोज़े में ही कवर कर लिया जाए, क्योंकि बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और आप व्लॉग क्या बनाओगे, आप इतना भटक भटक के आप परेशान हो जाते हो कि व्लॉग क्या बनाओगे। और जितना जल्दी जाएगा व्लॉग उतना अच्छा है। सामने आप देख सकते हो भिंडी बाज़ार, ये है मुंबई की शान भिंडी बाज़ार। नंबर दिस तो ना और प्लेट टूटली आता टूटली यायला या आता टूटली खड्ड्या वो लूज झाला होता ना, रस्टिंग झाला होता खड्ड्यामध्ये जाऊन। आता मी नमाजला उतरलो ना, मी बघितला प्लेट टूटली आहे, बनवून घेऊन देणार आता, बनवून घेतो आता। पुढे कोणी आहे का मेकॅनिक वगैरह, बघतो मी बघतो पुढे। शालीमार बुरखे, लेडीज़ के कपड़े, बच्चों के जूते। अरे यार वो किताब लेनी है अपने को, याद आया मेरे को, अच्छे से याद आया। किताब सबसे पहले लेना पड़ेगा भाई, किताब किताब लेनी पड़ेगी। देखो भाई आगे ले मोहम्मद अली रोड, आप सबका फेवरेट सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, मीनारा मस्जिद आगे, मीनारा मस्जिद में आज इफ्तार किया जाएगा इंशाल्लाह। इरादा यही है अपना, मीनारा मस्जिद में आज इफ्तारी के लिए करेंगे अपन आज। अभी बाइक किधर लगाने का, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो भाई एक फ्रेंडली सजेशन आप लोगों के लिए, अगर आप मोहम्मद अली रोड आ रहे हो तो मोहम्मद अली रोड तक के पूरा भिंडी बाज़ार के आगे तक पूरा मत आना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मोहम्मद अली रोड तक आओगे
और फिर आपको पार्किंग मिल जाएगी एकदम सजा धजा के प्लेट में, तो मुश्किल है पार्किंग मिलना, मुश्किल है। तो आप मेहरबानी करके आपकी बाइक भेंडी बाजार की तरफ ही पार्क करके आना, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाएगी आपको। ये जे फ्लाईओवर के नीचे अपने को अलहमदिल्ला यहाँ पर पार्किंग मिल गई। किसी तरह से थोड़ा एक्टिवा इधर उधर करके बाइक को थोड़ा एडजस्ट करके मैंने पार्किंग करवा दिया हूँ। और सामने सुलेमान उस्मान मिठाई वाला है, थोड़ा वॉक करके जाऊँगा मीनारा मस्जिद की तरफ। और मीनारा मस्जिद की तरफ जाऊँगा क्योंकि इरादा ये है कि आज इफ्तारी जो है हम मीनारा मस्जिद में करेंगे। तो भाई मीनारा मस्जिद में इफ्तारी कर ली और मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और अभी मीनारा मस्जिद में इफ्तारी कर ली, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और अभी इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे सबसे ऑथेंटिक जो मोहम्मद अली रोड की जो जान है, जो शान है, वो सारे फूड आइटम्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आप लोग मोहम्मद अली रोड आए हो तो आपको तो पता ही होगा कि सबसे जो खास और सबसे नामचीन जो एक गुड स्टॉल है जिसका नाम है बड़े मियाँ, तो आइए हम उसी से शुरू करते हैं जो कि मीनारा मस्जिद के जस्ट मस्जिद के गेट के बाहर ही है। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं और वहीं से बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ेंगे। तो भाई जैसे कि आप ये देख सकते हो एग्जैक्ट मीनारा मस्जिद के गेट से आप बाहर निकलते हो नमाज़ पढ़ के, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बड़े मियाँ रेस्टोरेंट दिखाई देता है, जो कि बहुत ही नामचीन और बहुत ही कदीम रेस्टोरेंट है। और यहाँ का जो फूड है आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हर तरह के मटन आइटम मिल जाते हैं, जैसे कबाब है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ड्राई आइटम, उसके अलावा सूप वगैरह मिल जाएगा आपको, पाया सूप है, ये देखिए इस तरह का ऑथेंटिक फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इनके ब्रांचेस भी है, ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है भाई? बैंड्रा में और यहाँ पर, और एक गुलाबा में है ना, मेन वाला वही है ना, गुलाबा वाला सबसे मेन है। अस्सलामुअलैकुम भाई, तो आइए भाई से मिलते हैं आज। भाई फिर एक बार रमज़ान आ गया है तो हम लोगों ने सोचा वापस से एक बार बड़े मियाँ को कवर किया जाए, और हर साल कवर करते ही है आपको, 70 साल से भी ज़्यादा हो गया है बड़े मियाँ को मेरे ख्याल से। अल्हम्दुलिल्लाह कुलाबा से शुरुआत हुई, उसके बाद में ये वाला है, और एक बैंड्रा में भी है, फोर्ट में भी है, काफ़ी सारे जगह हो चुका है। तो यहाँ पर क्या क्या भाई अपने पास खासियत क्या क्या है सूप के अलावा? एक महीने के लिए ही है, जो हमारा स्पेशलिटी है वो हमारा सूप रहता है। सूप ही स्पेशल, ये आइटम जो है वो आपको गुलाबा में भी है। हाँ ये तो मिल जाता है अपने को, चिकन सूप, कबाब सूप, हमारा मेन फोकस रहता है वही पीने के लिए। रमजान के महीने में स्पेशली उसके लिए आते हैं ना लोग सूप पीने। ठीक है भाई, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह की भीड़ लगी हुई है, और ये हर साल साल दर साल इसी तरह की भीड़ लगी होती है। यहाँ पर स्टॉल्स पे स्टॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग यहाँ पर बैठकर लाइन लगा लगा कर सूप का मज़ा लेने के लिए आते हैं। हम भी सूप पियेंगे थोड़ी देर में आकर। सूप के क्या आप यहाँ पर स्पेशली किस चीज़ के लिए आते हो? सीख कबाब, बुरहानपुर से, वो बुरहानपुर वाले हमारे वो है। तो भाई यही है वो जबान सूप, मटन जबान सूप, जिसे पीने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं मोहम्मद अली रोड में बड़े मियाँ में। और आइए अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और जानते हैं कि इसकी ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं रमज़ान के महीने में। आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब भी यहाँ पर आते हो मोहम्मद अली रोड में कैश कैरी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे शॉप ऐसे हैं जहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है, दे विल आस्क यू फॉर कैश।
और ये बिल्कुल बड़े मियाँ के बगल में आपको मिल जाती है बुरहानपुर जलेबी। क्या भाई कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? टेस्ट एक नंबर है, बस एक नंबर टेस्ट है। हर साल आते हो आप यहाँ पर? इधर ही रहते हो? कहाँ से आए हो? मुंबई में रहते हो। ये देखिए यहाँ की मावा जलेबी स्पेशल है, रबड़ी के साथ में रबड़ी जलेबी स्पेशल बेस्ट कॉम्बिनेशन रबड़ी जलेबी। ओके, ये आ गया, ये झूला झूली आ गया, मावा जलेबी ये आ गया, मावा जलेबी काला जामुन चम्मच मटकी में क्या है भाई? रबड़ी और फिल्मी। ये एक स्टॉल है जो सालों साल मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ देखता हूँ, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है और हम लोग भी खुद जब फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ से सीख कबाब ज़रूर खाते हैं क्योंकि काफ़ी कम रेट में काफ़ी टेस्टी सीख कबाब आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेग पीस है और तरह तरह के कबाब यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी लोग हमेशा बैठे होते हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है क्योंकि इनका रेट वाजिबी होता है एकदम और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। बिस्मिल्लाह कॉर्नर बिल्कुल मीनारा मस्जिद के सामने है ये। आइए आगे चल के देखते हैं भाई क्या क्या आइटम अवेलेबल है। पानी टिक्का, चिकन टिक, मलाई टिक। और क्या रेट है सीख कबाब? क्या प्लेट चिकन में 160 रुपए की है और बीफ में आपका 120 रुपए की प्लेट, चार सीख। ओके, खीरी कलर जी 120 का है, 120 से शुरू है ना स्टार्टिंग। चार कांडी आएगा प्लेट भर के आएगी, 20 बोटी आएगी। और पराठा पाव सब अवेलेबल? पराठा 25-30 रुपए का पराठा, पाव 5 रुपए का है। चलो ठीक है, दाल का 12 महीने। हाँ हम लोग तो आते रहते आपको। चलो ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं, इसके लिए धंधा हमारा। ओके, ये देख सकते हो आप यहाँ पर लोग मजे लेते हुए लूटते हुए खा रहे हैं। ये जो लेन है ना भाई, ये लेन हमेशा कचाकच भरी होती है। यहाँ पर सीख कबाब से लेके कलेजी, गुर्दा और बकरे के काफ़ी सारे आइटम जैसे जबान है और भी काफ़ी सारे आइटम है जो यहाँ पर इस गली में आपको मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल मीनारा मस्जिद की अपोजिट वाली गली है। आप देख सकते हो ये सामने मीनारा मस्जिद है और यहाँ पर ये गली में अगर आप जाते हो तो एक से एक आपको यहाँ पर फूड आइटम देखने को मिल जाता है और हमेशा यहाँ पर भीड़ लगी होती है लोगों की। ये आपने एक नज़र मार सकते हो, हर कोई बिजी है तो सबके से तो बात होना मुश्किल हो जाएगा, बट मैं हो सकता है जितना कवर करता हूँ। आज़ाद फास्ट फूड है ये। चिकन कीमा। क्या क्या आइटम है यहाँ पर? बहुत। क्या क्या अवेलेबल है आइटम? कुर्ता है, पिज़्ज़ा है, मैगी है, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, रेशम टिक्का, पूरी। कुर्ता मिल जाएगा, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, टिक्का वगैरह मिल जाएगा। ओके, लेग पीस मिल जाएगी, 65 मिल जाएगा। तो एक लेग पीस कितने का? एक लेग पीस 150 रुपये का है। 150 रुपये से स्टार्ट होता है। ठीक है। मरहबा फास्ट फूड, मतलब हर कोई स्टॉल एक से बढ़ के एक है यहाँ पर, कोई भी स्टॉल आपको खाली नज़र नहीं आएगा। एक दिन ये स्टॉल ट्राई किया तो दूसरे दिन कोई और स्टॉल ट्राई किया, इस तरह से लोग यहाँ पर खाने का लुत्फ उठाते हैं। स्पेशल है हमारा। ओके, कस्टमर से पूछो बर्रा कैसा है, कस्टमर से हमको। ये देखिए ये अपना बर्रा स्पेशल है, जी तवा कॉर्नर। ये यहाँ पर तो हम लोग हर साल आते ही है, मेरी वाइफ से आता ही हूँ मैं हर साल, और यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो चिकन बर्रा स्पेशलिटी। और क्या क्या आइटम है भाई अपने पास? अबे गुप्ता मसाला, भेजा मसाला, कलेजी मसाला। ओके, चिकन मुना है, चिकन चंगेजी है, पनीर चंगेजी है। ओके, और अपना बर्रा कितने का है प्लेट? बर्रा 450 रुपये, 450। तीन लोग खा सकते हैं आराम से, तीन लोग आराम से खा सकते हैं। ओके ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा क्या अभी है? बैठिए, ये हमारे कस्टमर है बाहर के, ये बर्रा स्पेशल है और इनसे इंटरव्यू लेना कि ये बर्रा कैसा है भाईजान। ये एक हम नहीं बोले, हम तो हमारी तारीफ करेंगे पर कस्टमर बोलना चाहिए। ये रुमाली रोटी के साथ नहीं, रुमाली रोटी बेस्ट टेस्ट करेगा, बेस्ट एकदम बेस्ट स्पेशल बाबा, पूरा इंडिया लेवल को चैलेंज है भाई। बोल नहीं पा रहे, मुंह में सब खाना भरा हुआ है, बट उनके रिएक्शन से पता चल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पूरे इंडिया लेवल को चैलेंज है, पूरे इंडिया को। ये चंदानिया का मसाला है, महाराष्ट्र औरंगाबाद का मसाला है, दोनों मिला के बनाया। ये आप देख सकते हो भाई, सीधा मीनारा मस्जिद के अपोजिट जो लेन अंदर आती है वहाँ पर आपको जी तवा कॉर्नर मिल जाएगा। यहाँ पर आके भाई का चैलेंज है कि पूरे इंडिया में सबसे स्पेशल बर्रा, चिकन बर्रा यहीं पर मिलेगा। ये क्या नारियल पानी है? अच्छा, अंदर इसके अंदर रहती है कि बना के देते? बना के देते, टेंडर कोकोनट है, कोकोनट एक, ये इसमें चार फ्लेवर बना के देते हैं। डेजर्ट है जिसमें आपको
मैंगो है, सीताफल है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला और चॉकलेट है, और ये कोकोनट पंच है। ओके, इसमें आइसक्रीम मिक्स करके बना के देते हैं। हाँ बिल्कुल, सब बना के देते हैं। उसमें कोकोनट का वाटर रहता है आपको इंडिया? हाँ, कोकोनट वाटर तो हम फ्री में पिलाते हैं। रमजान आपको भी पीना है, पी सकते हैं। इंडिया में किधर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, खुद का इन्वेंशन प्रोडक्ट है। अच्छा हाँ, मेरा 5-6 आउटलेट है मुंबई में। चॉकलेट फ्लेवर हो गया कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसके अंदर आइसक्रीम होगी, ड्राई फ्रूट भी रहेगा अंदर। सब है, सब है, सब है। चॉकलेट किसका है? ये एक और स्पेशल आइटम है जो आपको रमजान में खाने को मिल जाता है। सांदन राइस से बनता है ना ये? राइस, दूध, चावल, मावा। ओके, कितने का एक? एक 30 वाला है, एक 40 वाला है। मलाई वाला 30 वाला है, ये 40 वाला है। ये मावा वाला है, ये मलाई वाला है? मावा मलाई। ओके, ये मांडोली है। अच्छा, ये मालपुआ का छोटा भाई? छोटा भाई, एकदम छोटा भाई है। ओके, याकूब भाई, याकूब भाई की दुकान पे आके आप ट्राई कर सकते हो। सांदन बहुत ही टेस्टी होता है। खाते रहते हो ये? मलाड से हमेशा आती हूं। कैसा रहता है इसका टेस्ट? अच्छा रहता है, इडली टाइप है, मीठा इडली टाइप है। अच्छा रहता है ना? ओके ठीक है, ठीक है। मलाड से आती हूं स्पेशल, खास तौर पे मलाड से आते हैं। ये बात भी है भाई, खासियत ये है मोहम्मद अली रोड में रमजान की के लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। मलाड से, कोई विरार से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, क्योंकि ये जो रौनक है, ये जो यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव आइटम मिलेंगे वो आपको रमज़ान में देखने को मिलेगा। रमज़ान बाद इतना इतनी वैरायटी नहीं रही, तो ज़रूर आइए और रमज़ान में आके इन सब चीज़ों का मज़ा लीजिए। और भाई, ये मीनारा मस्जिद के जस्ट अपोजिट ब्रिज के इस तरफ आपको आशा ट्रेड एंड ट्रेड सेंटर दिखाई देगा, आशा ट्रेड सेंटर। यहाँ पर आपको लेडीज़ के काफ़ी सारे आइटम देखने को मिल जाते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ये जगह, ये और इसके आगे काफ़ी सारी ऐसी किताबों की दुकानें हैं। तो यहाँ से आपको कुरान पाक, कुरान शरीफ और कुसूसुल अंबिया और दुआओं की किताबें और इस तरह की काफ़ी सारी दुआएं और इस तरह की किताबें अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो इस लेन में आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम पूछ लेते हैं, कुसूसुल अंबिया है क्या आपके पास? रोमन में एक, हाँ कुसूसुल अंबिया दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो किताबें आपको कहीं नहीं मिलेगी इंशाल्लाह आपको ये लेन में आपको ज़रूर मिल जाती है, चाहे वो कुरान शरीफ हो, दुआओं की कोई ख़ास किताब हो या कुसूसुल अंबिया हो इस तरह से। तो मुझे लेनी है कुसूसुल अंबिया, इसलिए मैंने यहाँ पर आके पूछा। और ये देखिए, रोमन इंग्लिश में यहाँ पर कुसूसुल अंबिया अवेलेबल है, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें कुसूसुल अंबिया में क्या रहता है? पूरे आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया इकराम और जितने भी पैगंबर आए उनके पूरे किस्से हैं ना इसमें, कैसे कैसे उनके साथ हुआ, कैसे पैगंबरी मिली, तो क्या हुआ। तो इसमें पूरा कहानी पूरे डिटेल में एकदम ऑथेंटिक है ना? एकदम एकदम ऑथेंटिक। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे। ये रमजान का टाइमिंग है और नॉर्मल डेज का वही सेम? ओके, ठीक है ठीक है। तो यूनिवर्सल बुक डिपो करके यहाँ पर आप देखोगे, कोई भी तरह की आपको दीन से रिलेटेड किताब चाहिए, कुरान पाक चाहिए, तोगरे वगैरह यहाँ पर आपको चाहिए, रिहाल चाहिए, तस्बीह, जानिमाज, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी इंशाल्लाह। मुंबई पुलिस का हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन रहता है, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं हर चीज़ को। तो थैंक्स टू मुंबई पुलिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग इन एवरी रमजान।